Hey guys, this is Pudis Singh 07 और मैं आ चुका हूँ सबसे पुराने शहर में और सबसे पुराने शहर का सबसे पुराना रेस्टोरेंट आज मैं जाने वाला हूँ जो कि अनादि केबिन नाम है। रेस्टोरेंट नहीं, उसका नाम केबिन है। केबिन इसलिए क्योंकि पहले वो केबिन हुआ करता था, रेस्टोरेंट नहीं, इसलिए वो पुराना नाम भी रखा है। और मैं जो जा रहा हूँ बहुत ही पुराना है, मैं आपको बताने वाला हूँ कितना साल पुराना है। तो चलो चलते वहाँ पे और जाके बताता हूँ कितना साल पुराना है। चलो गाइस, जस्ट अभी आने के बाद मुझे पता चला कि वेटिंग टाइम 1 घंटा है। तो तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चूँकि ये रेस्टोरेंट इस्टेब्लिश हुआ था 1925 में इस्टेब्लिश हुआ था और तब से इनका सिग्नेचर डिश है मुगलाई पराठा, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर आप कोलकाता में आ रहे हो और अगर आपको ऑथेंटिक मुगलाई पराठा खाना है तो आप ये केबिन में आ सकते हो। और सबसे पुराना एम्प्लॉय जो कि यहाँ का सबसे पुराना एम्प्लॉय जो कैश काउंटर में वो अंकल बैठे हुए, मैं आप चेक कर लो जब तक, वो सबसे पुराना एम्प्लॉय है यहाँ का। और ये 53 ईयर से ये काम कर रहे हैं यहाँ पे और उनका बिहेवियर भी वैसा ही था। मैंने पूछा सीधा जाकर कि मतलब कि कहाँ बैठूँ, उनका टोन देगी ये खाने पहुँचूँ तो मैं समझ गया कि हाँ वो पुराना कस्टमर, पुराना एम्प्लॉय भी है। और मुझे अच्छा भी लगा जिस टोन से बोले, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि इतना एज में इस तरह से हैंडल करना ये रेस्टोरेंट को बहुत ही मुश्किल काम है, बट अंकल बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ मेरा मुगलाई पराठा आने का, सिग्नेचर डिश का। तो आते ही मैं आप लोग बताता हूँ कैसा है, नहीं है, चलो चलते हैं। गाइस, फाइनली हमारा वेटिंग टाइम ख़त्म हो गया। मैंने बोला 1 घंटा, बट वो अंकल 10 मिनट में भी हमें वो ला के दे दिए, जो कि आ गया हमारा सिग्नेचर डिश था। और ये है मुगलाई पराठा और आफ्टर सिनेमैटिक्स ये होता है। सिनेमैटिक्स करने के बाद ये था फिश फ्राई, जो कि सिनेमैटिक्स को वीडियोज़ बन गया। आप सिनेमैटिक्स इन्जॉय कर लिए होंगे, आई होप मज़ा आया होगा आपको सिनेमैटिक्स। तो चलो खा कर बताता हूँ टेस्ट कैसा है। ये है मुगलाई पराठा, ये आलू और थोड़ा सा सॉस के साथ। मुगलाई पराठा खा का मज़ा आ गया। तो चलो पहले फिश फ्राई ट्राई करते हैं। प्याज ज़्यादा मज़ा आता है। पहले मैं खा लूँ सब कुछ, फिर मैं बताता हूँ ओवर रिव्यू कैसा था, नहीं था। चलो खाने दो। सो गाइस, जस्ट अभी मेरा खाना कंप्लीट हो गया और खाना कंप्लीट होने के बाद मैं निकल गया था, तो सोचा आप लोगों को बता दूँ एक्चुअल रिव्यू। और मैं बताना चाहता हूँ आपकी कि 90 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गया है वो रेस्टोरेंट का, बट लेगेसी कैसे मेंटेन किया जाता है वहाँ पे जाकर आपको पता चलेगा। जितना पुराना रेस्टोरेंट है उतना ही अच्छा खाना भी था और उनका सिग्नेचर डिश मुगलाई पराठा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मुझे खाकर मज़ा आ गया। और उसका प्राइस मुझे पड़ा 100 रुपया और मैंने फिश फ्राई लिया था तो टोटल मुझे 190 पड़ा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा खाकर। अगर आपको भी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊं और कहां पे बनाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।